रहते हैं। वेरी नाइस, अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगा देख के। फीमेल बिल्डर को वहाँ पे लगा लेना अपनी गाड़ में और खड़े हो जाना स्टेज पे। ठीक है सर, परफेक्ट है। तुम्हारे अंदर जितनी ताकत जाने की लगा लो आप, चलेगा सर। हम ही तुमको चीफ गेस्ट बनेंगे वहाँ मिलेगी। अरे वो तो आप रहो ना चीफ गेस्ट, से मेरे क्या मतलब है, चीफ गेस्ट कोई भी रहे। तुमको इस जिंदगी में मैं बनाऊंगा ना आपको, मैं ही नाम दूंगा। आप ही दो, आप दो जिम मेनन सर दे, टेलर टेलर मेनियन दे, टेलर मेनन सर दे, कोई भी दे, हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं इंडियन कोई आएगा तो मैं दूंगा अपने हाथों से। हाँ हाँ हाँ, तो रेडी रह जाना सर फिर देने के लिए। फर्स्ट इंडियन बनने का शौक है ना, तो फर्स्ट इंडियन कभी स्पॉन्सर करते हुए देखा मिस्टर ओलंपिया सर? इतना हमारा है ही नहीं ना, है ही नहीं ना बिजनेस मैन, आप करो ना बिजनेस सर, अच्छी बात है। हमारा ड्रीम है, हमें हमारा ड्रीम है वहाँ पर कम्पीट करना, स्पॉन्सर करना ड्रीम थोड़ी हमारा। आओ कम्पीट करने, आओ तो ठीक है, स्टेज पे तो आओ भाई। आएंगे आएंगे, जहाँ पे स्टेज पे जाओगे ना तेल लगा के वहाँ हम चीफ गेस्ट मिलेंगे तुमको। परफेक्ट है, और अपने हाथों से नाम देंगे। आओ ना देव ना सर, भी करेंगे दो सर, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। इस जिंदगी में ओलंपिया बनना है ना आपको, आपको बोल रहा था ना मैं बताऊंगा आपको, आपको आज रात से बता रहा हूँ। बोलो ना, बनिए ना ओलंपिया, आपको तो दे दिया ना, हिंदुस्तान का पहला इंडियन जो मिस्टर ओलंपिया में स्पॉन्सर कर रहा है, मेन स्पॉन्सर यू बाय सर। अच्छा है ना, अपने फर्स्ट इंडियन स्पॉन्सर आपने किया है, तो फर्स्ट इंडियन ओलंपिया हम बनेंगे। बस बिल्कुल, आप कैसे नहीं बनेंगे, मैं तो वहां रहूंगा, मेरे रहते हुए कैसे नहीं बन सकेंगे आप। वही तो बोल रहा ना, आपने तो पैसा देके आप वहां पे पहुंचे हो ना, हम तो विदाउट पैसा देके पहुंचेंगे सर। अरे विदाउट पैसा देकर ही तो सब पहुंचते हैं, आइए आएंगे सर। लोग जो पैसा देके जाते हैं, जो बड़े बड़े स्पॉन्सर जो होते हैं, वो सब चूते ही हैं। नहीं चूते क्यों होते सर, वो ब्रांड के ब्रांड की ब्रांड की ब्रांड की वैल्यू है ना सर, ब्रांड की वैल्यू, आपका ब्रांड का प्रमोशन कर रहे हैं, मिस्टर ओलंपिया इज ब्रांड, माय फिटनेस। हाँ तो वही बोल रहा ना, ये मैं अपने हाथों से स्टेज पे दूंगा आपको इनाम, दो ना सर। और अगर नहीं आप आए वहाँ पे, आएंगे सर पक्का आएंगे। कब तक आएंगे, कब तक आएंगे? 2022 देख ले रहे सर आप अपने आंखों से। ये तो 2018 से बोल रहे हो सर। 2018 से मैंने कभी नहीं बोला है, नहीं मैं प्रो कार्ड जीता था उस टाइम पे, तो मैं क्यों बोलूं। 2018 में से 2019 में, वही तो बोला आपकी आपकी स्टडी बहुत वीक है सर। मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मेरे असिस्टेंट है ये सब कर रहे हैं। वही तो वो मैं आपको वही बोल रहा, आपने जो आपने बंदे रखे वो अच्छे नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है। अच्छे नहीं है तो जहाँ जाने का आपको वीजा भी नहीं मिलता है ना। हाँ हाँ हाँ, वहाँ हम चीफ गेस्ट होते हैं। वेरी गुड, अच्छी बात है सर। कितनी बार एक ही चीज बोलोगे, कुछ दूसरा तो बोलो। इसलिए बोल रहा हूँ ताकि औकात पता चले। औकात से मेरे को पता है, हमने औकात पे कोई बात ही नहीं की आपसे, हम तो ऑलवेज बोलते हैं हम जो पट्टे वाले लोग हैं। ट्राई करते रहिए, मैं आपको जब भी पहुंचेंगे आप मिस्टर ओलंपिया पे ना, हाँ जी सर, मैं उसी वक्त आपको बनफ्स नफीस आपके लिए बड़ा सा गिफ्ट लेकर वहाँ पे स्टेज पे आपको अपने हाथों से दूंगा। ठीक है भाई, फर्स्ट इंडियन पहुंचा है तो फर्स्ट इंडियन चीफ गेस्ट ही उसके हाथ पे दे। परफेक्ट है सर, एकदम परफेक्ट, सॉर्टेड है। आइए आप, 2 महीने पहले आपको बता दूंगा मैं क्वालिफाई हो चुका हूँ, फिर रेडी रहना आप। अरे आप क्वालिफाई होंगे फिर स्टेज पे जाएंगे, फिर वहाँ मैं आपको चीफ गेस्ट के जैसा गिफ्ट दूंगा, पीठ थपथपाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू, उतना तो आप कर सकते हो, मैं उतना आप करने की आप वो रखते हो, अच्छा लगा मेरे को सुन के। कितना करने की ताकत रखते हैं वो तो देख लिया ना, पूरा हिंदुस्तान जो नहीं कर सका वो कर दिया ना मैंने। बहुत, आप बहुत। कर लेते, आपका बटर बॉक्स बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया ना उसने मेरे को। अरे सर आप इतने बड़े इंसान हो ना, तो हम छोटे बड़े चीजों से आपको क्यों दिक्कत होती है वो तो बताइए। अरे अभी बोला ना आपने, मेरे बटर बॉक्स से कितना नुकसान हो गया आपको। तो नुकसान हुआ है इसलिए, तो नुकसान हुआ है इसलिए तो ओलंपिया तक गए प्रमोशन के लिए आप सर। ये बात तो बिल्कुल सही बोला, आपके बटर बॉक्स से नुकसान होकर के आपके आपकी दुकान से जिधर मतलब 10 लोग आके एक दिन में माल नहीं खरीदते हैं, वो 10 बॉक्स से मुझे नुकसान हो गया और मैं पहुंच गया। अरे सर वो आपको ही पता है, देखो आपके आपके दिल को पता है, वो मेरे दिल को पता है, अभी मैं क्या ही बोला आपको, रहने दो, आपको ना एक्सेप्ट करना वो चीज अलग है। डॉक्टर को मेंटल हो, दिखाऊंगा सर, दिखाऊंगा, वेरी सुन दिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। जो बचा कुचा है ना वो बचा लो, माँ बाप को हेल्प करो जाके, पागल हो गए हो तुम। हो आप तो बहुत पागल नहीं हुए हो, हाँ। वो वक्त और हालात से तुम खुद ही कर लोगे, पता है, करने की जरूरत ही नहीं है। पता है, पता है सर, आप यही काम करने में माहिर हो, कुछ नहीं करते लाइफ में। एग्जैक्टली, जब पता है ना कौन क्या है तो उसके हिसाब से चला जाता है दुनिया में। अगर समाज में आगे बढ़ना है तो बिना वजह किसी से उलझोगे ना, एथलीट हो, एथलीट की इज्जत बहुत है, लेकिन तुम एथलीट से बहुत नीचे गिर गए,
जब तक एथलीट थे तो मैं इज्जत करता था। सर सुनो मेरी बात, एथलीट था, एथलीट हूँ, लाइफ टाइम एथलीट रहूंगा, और आप एक बड़े एथलीट हो, अपना बड़े सेलिब्रिटी हो, रिस्पेक्ट हो। मैंने आपको 2011 से ही फॉलो कर रहा हूँ, 2000 आपको 11 से ही मैं आपको देख रहा हूँ, आपकी ऑलवेज रिस्पेक्ट है, आपकी पीछे ऑलवेज एक्सपो के एक्सपो में मैं आपके पीछे भागा हूँ, घूमा हूँ, आपकी ऑलवेज रिस्पेक्ट की है। लेकिन आपने जो बोला है, आपने जो किया है एक बच्चे के साथ में, वो गलत है, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है और आपको भी पता है। आपके लिए क्या किया है पहला बताइए, सबसे पहला क्या किया मैंने आपका बुरा? बुरा तो ये है सर, फुकट में आपने पोक करना स्टार्ट किया, उसकी कोई वजह नहीं थी। मैंने अपने फेडरेशन के लिए स्टैंड लिया था, सुनो मेरी बात सर, मैं आपको आप सुनिए, हाँ बोलिए, सबसे मैंने आपका क्या बुरा किया? मेरा आपने ये बुरा किया है कि आप फोकट में छोटी छोटी बातों पे इंस्टाग्राम पे, अपने इंस्टाग्राम पे आप बहुत फॉलोअर्स है, वहां पे जाके आप कुछ भी मेरे बारे में बोलते हो, जिसकी आपको कोई नीड नहीं है सर। आपको क्या लगता है कि मैं अपने करोड़ों रुपए का पायल छोड़ के पांच पांच दस दस ब्रांड लेके बैठा हूँ, वो छोड़ के सुबह ब्रश करके दांत, मैं बोलता हूँ आज मैं मनोज पाटिल के बारे में कुछ बोलूंगा, क्या वजह? तो मनोज पाटिल के बारे में क्यों बोलूंगा भाई, कोई भोपाल में लड़का बैठा है जिम कर रहा है उसके बारे में क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि मनोज पाटिल आपको पता है ना, एथलीट है जिसके पास एक इसकी एबिलिटी है सब करने की, आपको पता है आपकी एबिलिटी क्या है करने की, ये तो है, आप तो यही सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सर, छोड़ो ना सर, हम लोग क्या बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप सुनो सर, मैं आपको क्या लेना देना, आपके पास एबिलिटी है तो मैं क्या कर लूँ, मैं आपका कॉम्पिटिटर हूँ? नहीं नहीं वो छोड़ो सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास लाख एबिलिटी हो भाई, देखो सर, अरे सर सर एक मैं तो आपको वही तो बोलना चाह रहा हूँ सर, आप बिजनेस मैन हो, मैं एथलीट हो, आप मेरे को क्यों, आप मुझसे क्यों उलझे हो भाई? सर मैंने कहा आपसे उलझाऊ, मैं आपको कॉल करता क्या, फोन करता क्या आपको, मैं उलझा हुआ रहता तो? मनोज देखो, ये जंग तुम्हारी खत्म नहीं होगी मेरी, ये बात समझ लो आप अच्छे से, ठीक है सर, जो जंग करते रहो। फैमिली को इन्वॉल्व किया है ना, कौन सी फैमिली को इन्वॉल्व किया आपने, जो मेरी फैमिली को इन्वॉल्व कर करके किया है ना, कौन सी फैमिली को इन्वॉल्व किया आपके सबसे? अरे भाई जाने दो, अभी जब वक्त आएगा तो बता दूंगा, ये जिंदगी का सबसे बड़ा गलती तुमने किया है। सर मेरी बात सुनो, तुमने मेरे धर्म को, सुनो मेरी बात, उसके बाद तुमने मेरे धर्म का इस्तेमाल किया गलत, हम मराठा है, हम ये है, मैंने कभी बोला क्या भाई तुमको कुछ? तो मैंने आपको क्या बोला, किसने बोला आपको, मैंने आपको बोला है गांडू आदमी हो, हाँ। तो कभी एथलीट लोग का सहारा लेता है, हाँ। कभी हिंदू मुसलमान करता है, हाँ। हाँ। और कभी कभी इस सेना के पास जाएगा, कभी उस सेना के पास जाएगा, हाँ। कभी एथलीट चाहिए, क्यों हाँ। भाई मैंने किसके बारे में, कौन से धर्म के बारे में बोल के, तो मैंने कौन से धर्म के बारे में बोला भाई? अरे कब बोला मैं मुसलमान हूँ, आज लड़ ले, मैंने बोला? अरे वो संगना दादा को बहुत बोले थे पठाने पठाने, हम शिवाजी महा पठाने, आपको बोला मैंने? संगना दादा को बोला था ना, आपको बोला? तो मैं छोड़ो ना, मेरा छोड़ो, मैं आपको बोला ही नहीं कुछ भी, आपने मुझे बोला, मेरे लिए बोला, किसने बोला सर आपको? मैं आपको एक बात बता, सुनो मेरी बात, आपको मैं एक चीज बोलता हूँ, बोल रहा हूँ, एक चीज, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, रुको मेरी बात, मैं सुनो, आप देखो अपना दिमाग और मेरा दिमाग दोनों का खराब मत करो, ये बहुत गंदा हो चुका है और ये और गंदा होने वाला है, आप उसकी तैयारी कर, जितना गंदा आप कर सकते हो ना, जितना गंदा आप कर सकते हो ना, उतना गंदा करो, उतना गंदा करो, आपको मिस्टर ओलंपिया बनाऊंगा मैं, हाँ जितना गंदा कर सकते हो ना उतना गंदा करो लाइफ में, देखता हूँ मैं कितना गंदा कर सकता हूँ। आप करिए, आपको मिस्टर ओलंपिया बनना है ना, मैं इनाम दूंगा वहाँ पे, आप तो दुआ कर रहे हैं आपके लिए कि आप आए, एक बार आएंगे, आऊंगा पक्का, आऊंगा, वेट करो, आपके जैसे करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं जाने के लिए, हम उनमें से देखेंगे कि सिर्फ आप जाए पूरे हिंदुस्तान, करो करो करो, ये आदमी है, बाकी सब तो नाके लाल हिंदुस्तान में बस ऐसे ही बैठे हैं ना भाई, तो भाई सही है, सही है, फैमिली को इन्वॉल्व किया, धर्म को इन्वॉल्व किया, समझ रहे हो आप, 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 आपको जो करना है आप बोलना है बोल लो, मैंने आप ना ही धर्म को इन्वॉल्व किया है, ना ही आपको मम्मी पापा को इन्वॉल्व किया है, नहीं, नहीं। मैं तो जानता नहीं हूँ, आपको सुनो मेरी बात, आपको जिसने भड़काया है ना, आपको जिसने भड़काया है ना, सुनो मेरी बात, आपको जिसने भड़काया है ना, वो भड़काने दो, मेरा मन मालूम है, मेरा दिल जानता है कि मैं आपके लिए कुछ बोला नहीं है, आपके लिए दिल में रिस्पेक्ट है, ठीक है ना, आपको जो समझना है आप समझो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो करना चाहते हो आप करो, मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप क्या चीज है मुझे पता चल चुका है, ठीक है, आप मीठा बनने की कोशिश मत करिए, अरे मीठा नहीं बन रहा आपको सर, मीठा मीठा नहीं बनना आपको, क्या मुझे आपसे फायदा होने वाला है मीठा बनने के लिए? अरे तुम्हारे जैसे कुछ नहीं कर सकते भाई, समझा, पांच साल में तुम कहां से कहां आए हो, अरे सर देख लो, पांच साल में और कहां जाऊंगा देख लेना, उसके बाद तो डाउनफॉल आपका चालू होने वाला ना, वो भी देख लेना आप बेटा, डाउनफॉल होने के बाद भी इतना रहेगा कि तू जिंदगी में उतना जीरो कभी देखा नहीं चाहिए नहीं मेरे को, पैसा पैसा कमाने के जन्म, मेरा जन्म हुआ ही नहीं है,
पैसा कमाने का जन्म आपका हुआ है, ठीक है ना, आप कमाओ पैसे जितने कमाने, मेडल मेडल जीतने के लिए जन्म हुआ मेरा, मेडल जीतने के लिए दिन भर करते क्या हो, ये तो देखो जितना भी करता हूँ सर हैप्पी हूँ लाइफ से, आपके साथ नहीं हूँ, ठीक है ना, आपके साथ मैं मार खाट के लोगों के पैसे काट के तो नहीं करता, जितना करता हूँ अच्छा ही करता हूँ, इंडो देते घर पे आके सोता हूँ अच्छे से, घर पे कहाँ सोते हो भाई, जहां पे भी सोता हूँ अच्छे से सोता हूँ मैं, घर पे कहाँ सोते हो, लोगों का मैं लोगों का पैसा नहीं लिया ना, घर पे कहाँ, तो परियों के साथ रहते हो ना, हाँ हाँ तो अच्छी बात है ना, परियों के साथ में रहता हूँ ना, परियों के साथ रहना अच्छा होता है, अच्छा होता है। आप मेरे को एक चीज का आंसर दो, मैं आपको इतनी बातें आप कर ली, मैं आपको एक चीज बोल रहा था एकदम सिंपल सी बात बोलता, आपने मेरा पिक्चर अपलोड क्यों किया है उसका मुझे आंसर दो, मुझे आपसे कोई भी पिक्चर नहीं अपलोड की है, मेरी पिक्चर आपने अपलोड की है ठीक है ना, मैं आपको रियल पिक्चर भी भेजता हूँ जिसमें मेरा शक्ल के साथ फोटो है, ठीक है, आप मेरे को मत बताओ आप मेरी पिक्चर नहीं है वो, नहीं मैंने आपकी पिक्चर अपलोड नहीं की, मुझे वो पिक्चर ऐसे मिली, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, देखता हूँ सर आपको मैं, चलो ठीक है आप देखिए, ठीक है सर, कैरी ऑन करो आप, ठीक है सर, आप ऑल द बेस्ट फॉर माय फिटनेस, जो आपका आपका ब्रांड वहां पे तक गया है बहुत अच्छा है, बहुत आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पहुंच गया एक साल में, हाँ यहाँ से वहाँ आपका इंतजार कर रहा हूँ, तो आ जाना, अच्छी बात है सर, और पैसा लगा लो और थोड़ा प्रमोशन करो और करो आप लाइफ में बहुत अच्छी करो, मिल जाए आपको तो आ जाइएगा, मैं इंतजार, और सर मैं आपको एक ही मतलब एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, जब जैसे आपने स्पॉन्सर किया ना वहाँ पे, वैसे एक बार आप ओलंपिक स्टेज पे खड़े भी होके दिखाइए तेल लगा के, क्यों जब मैं वहाँ पे स्पॉन्सर कर सकता हूँ तो तेल लगा के खड़े क्यों, वही तो आपको बोला ना, आपका भी एक टाइम पे ड्रीम था ना वो, आपका एक टाइम खड़े करने के लिए, आपका एक टाइम पे ड्रीम था ना वो, जैसे लोगों को इंस्पायर करके भेज सकता हूँ ना, वही वही तो बोला आपका ड्रीम था ना वो ड्रीम तो ड्रीम रह गया, तो अभी आप स्पॉन्सर कर रहे हो, बोला कि मेरा ड्रीम था मिस्टर ओलंपिया बनना, पता है सर मेरे को सब पता है, दुनिया जानती है, आपको कैसे पता चला, जब 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 अंगूर से खट्टे होते हैं ना, जब अंगूर मिलते नहीं हाथ में तो खट्टे लगते हैं, मैंने तो कहीं जिंदगी में नहीं बोला कि मेरा ड्रीम था मिस्टर ओलंपिया बनना, मैं बम्बई मिस्टर ओलंपिया बनने तो नहीं आया था, बराबर बॉडी बिल्डिंग करना आया था रहे, हो नहीं पाया, बिल्कुल सही कहा, बॉडी बिल्डिंग करना आया वो आज भी करता हूँ, मिस्टर ओलंपिया तो कभी भी मैंने नहीं सोचा क्योंकि मैं आपकी जैसा चूतिया नहीं हूँ, सही है सर, वेरी गुड, समझ में आया ना, आपके जैसा चूतिया नहीं हूँ मैं, ठीक है सर, ओके सर, चलो थैंक यू सर, सो जाओ आराम से।